हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है इतिराज। आज मैं आपको एक ऐसा कार दिखाने वाला हूं जो कि हैचबैक के प्राइस में आपको एक एसयूवी का फील तो दे ही रहा है, साथ साथ आपको वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट काम कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो चीज़ आपको धीरे धीरे वीडियो में आगे पता चलेगा। अपने पास वेरिएंट कौन सा, अपने पास है वेन्यू का सेकेंड बेस मॉडल एस। उसके बाद अपने पास यहाँ पे इसमें सब कुछ आपको जरूरत का चीज़ मिल जाता है। की में भी आपको कीलेस एंट्री यहाँ से मिल जाता है। प्राइस का बात करें तो 8,93,000 इसका एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है। वहीं अगर ऑन रोड का बात करें तो मैं अभी खड़ा हूँ बालाजी हुंडई मुजफ्फरपुर बिहार में। यहाँ पे आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 10,36,000। शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड हैव ए लुक। सामने से देखो तो अपने पास वही डार्क क्रोम के अंदर ग्रिल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लुक कार को देता है। ऊपर साइड में अपने पास इंडिकेटर है हैलोजन के अंदर, नीचे रिफ्लेक्टर बेस अपने पास हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। चौड़ाई भी अच्छा खासा पर अपने पास कितना 1770 mm का मिलता है। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल से भाई लुक चप सबसे पहले चेक करो। अपने पास लेंथ कितना है तो 3995 mm का लेंथ देखने को मिलता है। अपने पास हाइट भी अच्छा खासा है, 1617 mm का हाइट मिलता है। फेंडर में अपने पास इंडिकेटर है और यहाँ पे जब साइड मिरर में देखोगे तो अपने पास ऊपर पूरा बॉडी कलर मिलता है और नीचे साइड अपना मैट फिनिश है, ये भी अच्छा बात हो गया। उसके बाद साइड क्लैडिंग जो है ना इसका, वो थोड़ा सा इसमें पतला रखा गया, आप चेक कर पा रहे हो यहाँ से, थोड़ा पतला रखा गया। टायर प्रोफाइल कितना है तो यहाँ पे 195/65/15 inch का अपने पास स्टील रिम मिल रहा है व्हील कैप के साथ, ये हो गया। ऊपर अपने पास स्पॉइलर है जो कि सिल्वर कलर का है। अपने पास फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 liter का है। यहाँ से आ जाते हैं इसके बैक प्रोफाइल में और यहाँ से अपना लुक आप चेक करो। आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे LED पूरा सेटअप मिल जाता है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर बेस ही मिल रहा है, ये जो धूप की वजह से चमक रहा ज़्यादा, हैलोजन यहाँ पे मिलता है और ये जो है ना ये अपना फॉल्स दिया गया यहाँ पे। उसके बाद इंडिकेटर अपने को कहाँ, यहाँ मिल जाता है इंडिकेटर। उसके बाद नीचे साइड में आप चेक करोगे अपने पास रिवर्स गियर लैंप और रिफ्लेक्टर मिलता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। वेन्यू का यहाँ बैजिंग मिल जाता है हुंडई का लोगो। कैमरा वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। डीफॉगर मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, साकफी 19 आपने को मिल जाता है। अब थोड़ा चलते हम लोग इसकी इंटीरियर में, और इंटीरियर से जो मैं आपको चेंज बता रहा था कि जिसमें आप कोई काम कराने का जरूरत नहीं। सबसे पहले ये लॉक है तो आप इसका साउंड सुन लो, तो कुछ इस तरह का ये साउंड करेगा इसको अनलॉक करने पे। और यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना वो आपको ड्यूअल टोन में यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ट्विटर मिल जा रहा है आपको, स्पीकर मिल जा रहा है, यानी कि 4 स्पीकर 2 ट्विटर का अपने पास यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद ये पूरा अपना व्हाइट कलर का फिनिश मिल जाता है। चारों पावर विंडो अपने पास लॉक अनलॉक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ORVM कंट्रोल करने का बटन मिल जाता है। ये अपने पास सिल्वर कलर का यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है। चलो बोतल होल्डर यहाँ पे है। चलो थोड़ा सीट की बात करें तो अपने पास यहाँ पे ड्यूअल टोन में फैब्रिक फिनिश के अंदर सीट देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसियस देखने में ये लगता है और ये आपको फील भी कराएगा स्पेसियस। क्रेटा वगैरह में भी जो नीचे वाला वेरिएंट है उसमें यही वाला आता है। मैनुअली अपना एडजस्ट होगा, ये सबसे पीछे किया हुआ है। अब थोड़ा हम लोग कार के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप ये तो मिल ही जाता है। उसके बाद हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। यहाँ पे जब आप अंदर बैठोगे तो अंदर बैठने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कार को हम लोग स्टार्ट कर लेता है ताकि AC चला ले, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से अपना कार हो गया स्टार्ट। चलो ये तो हो गया एक बात। उसके बाद जब यहाँ पे क्लस्टर देखोगे तो पूरा डिजिटल अपने को क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ चेक करो अपने पास RPM मीटर है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे किलोमीटर है, ये सारा कुछ हो गया। और इसका कंट्रोल आप यहाँ पे राइट साइड में स्टेयरिंग में जो कंट्रोल है उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो अपने पास ड्राइव इन्फो वगैरह मिल जाता है, सिंस रिफ्यूल के बाद कितना चला है, उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो कितना टाइम बार चला है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपको 3 सीट बेल्ट का वहाँ रिमाइंडर देखने को मिलता है। तो पीछे वाला जो सीट है ना उसमें कोई बंदा सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो वहाँ रेड मार्कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसका इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। इंफोटेनमेंट अपने पास वही बेसिक वाला है जो कि पुराने वाले वर्ना में आता था। ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा लैग करता है यहाँ पे ये सारा कुछ। बाकी ज़्यादातर लोग तो इसको स्टीयरिंग से ही कंट्रोल करते तो उतना फ़र्क पड़ता भी नहीं है। बटन वगैरह आपको मिल जाता है वहाँ पर, यहाँ नीचे आप चेक कर पा रहे हो। उसके बाद यहाँ जब आओगे ऊपर में सन वाइजर अपने को मिल जाता है जिसमें किसी तरह का आईना नहीं है। उसके बाद माइक यहाँ पे है, उधर आपको मिल जाता है। IRV अपने पास मैनुअल है। यहाँ पे आओगे तो अपने पास मैनुअल AC है, ये हो गया बात। उसके बाद नीचे टाइप सी पोर्ट, USB केबल और 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स अपने पास। और अब जब आपने अपना वैल्यू फॉर मनी कार खरीद लिया है तो यहाँ पे अपने पास आपके कार में एक ऐसा फ्रेश फ्रेग्रेंस होना चाहिए जो कि नेचुरल फ्रेग्रेंस दे। इन्वॉल्व ऑन स्पार्क एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आपको एक नेचुरल फ्रेग्रेंस देता है और सभी लोग जो आपकी कार में बैठते हैं उनको फ्रेश फील कराता है। मैं हमेशा अपने कार में इसको यूज़ करता हूँ। और आप इसको 3mm टेप के साथ डैशबोर्ड पर, नहीं तो आप इसको यहीं पर कप होल्डर में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। गियर नॉब में अपने पास यहाँ पर लेदर फिनिश देखने को मिलता है, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर तो मिल ही जाता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट अपने पास सॉफ्ट टच के साथ आता है, इसके अंदर आपको स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और मेन बात हम स्टीयरिंग समझ लेते हैं कि स्टीयरिंग में अपने पास क्या ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप जब इसको नीचे करोगे तो मुझे लगता है सिर्फ टिल्ट ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से फिर से इसको लॉक कर दो तो ये बात हो गया, सारा कुछ मैंने आपको लगभग बता दिया। अब थोड़ा चलते हैं इसके पैसेंजर साइड डोर में, वहाँ बैठ के मैं आपको जो चेंजेस है उसके बारे में बताऊँगा और
कैसा आपको स्पेस मिलता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलते सबसे पहले हम लोग इसके पैसेंजर साइड डोर में, यहाँ से अपन इसको खोल लेते हैं। चलो खोलने के बाद जब हम लोग यहाँ पे सीधे अंदर बैठ जाते हैं और बैठ के हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सीन है यहाँ पे। अपने पास सबसे पहले क्या मिलता है, यहाँ पे जब आओगे वही पावर विंडो अपने पास, वही सेम फिनिश स्पीकर अपने को मिल जाता है, डोर हैंडल यहाँ पे मिल जाता है और ये कुछ इस तरह से काम करे। एसी वेंट्स अपने पास यहाँ पे है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। दो टाइप सी पोर्ट अपने को यहाँ देखने को मिल जाता है और जब यहाँ देखोगे तो अपने पास तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। और सिर्फ एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही नहीं, अपने पास थ्री पॉइंट सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि थर्ड पैसेंजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसी का कंट्रोल जो मैंने आपको बताया था सिग्नल, आपको क्लस्टर में भी दिखाएगा। तो ये हो गया कुछ यहाँ के बाद, अब चलते हैं तो हम लोग इसके बाहर और मैं आपको इसका खोल के बूट दिखा देता हूँ कि अपने पास बूट स्पेस कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ से अपने को इसका बूट खोलना पड़ेगा। अपने पास यहाँ पे देखने में भी आपको अच्छा खासा स्पेसियस लग रहा होगा, 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, अच्छा खासा स्पेसियस है, थोड़ा नीचे की तरफ भी है। और जब हम लोग इसका स्पेयर व्हील का बात करेंगे तो वो कितना है, तो वो सेम होना चाहिए, कितना है कितना है कितना है, 195/65 अपने पास 15 इंच का सॉरी यहाँ पे अपने पास स्टील रिम स्टेपनी में देखने को मिल जाता है। तो ये भी बात हो गया इसके। और यहाँ पे मेन चीज़ और, ये तो फिनिश वगैरह अच्छा मिलता है, ये अपना जो सीट है ना पैसेंजर साइड सीट, इसको आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा बात है। यहाँ से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, जो कि आपको थोड़ा सा और स्पेस अगर चाहिए तो वो भी आप इससे यूटिलाइज़ कर सकते हो। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का कैपा पेट्रोल इंजन है जो कि 81 BHP का पावर जेट करता है 113 NM टॉर्क के साथ। सिटी माइलेज 16 का है और हाईवे माइलेज आपको 18 से 20 तक का दे सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा और ये वेरियंट कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।